दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आवजा की TZA 7000 यानी कि 700 वाट की मशीन के अंदर क्या होता है, उसमें क्या क्या फंक्शन होता है। देखिए दोस्तों, ये डबल जोन की मशीन है, आवजा की TZA 7000 मतलब 700 वाट की मशीन। दोस्तों ये डबल जोन की मशीन है। देखिए आप, ये दो जोन, जोन ए जोन बी, ये दोनों जोन के ये ट्रेबल के बटन हैं। ये दोनों मशीन के बेस के बटन हैं दोस्तों, और ये दोनों जोन के ऑन ऑफ स्विच हैं। आप जिस जोन को चलाना चाहे उसको चला सकते हैं। और दोस्तों ये है स्टीरियो और मोनो का। आप इस मशीन को स्टीरियो पे भी चला सकते हैं और मोनो भी चला सकते हैं। इस मशीन में दो ऑब्जरी दी हुई है, नंबर वन और नंबर टू, और 6 माइक लगाने के सॉकेट इसमें दिए हुए हैं। दोस्तों देखिए, 1 2 3 4 5 6 छों के वॉल्यूम है। माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4, माइक 5, माइक 6। ये तो हुआ दोस्तों आगे का फंक्शन। इसमें दो ओवरलोड स्विच है। ये अगर आपकी मशीन में कोई मिस्टेक आ जाती है तो ये ओवरलोड के स्विच बाहर आ जाएंगे, जिससे आपकी मशीन बच जाएगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये इसका ऑन ऑफ स्विच हो गया दोस्तों। ये तो हुआ इस मशीन का आगे का। अब दोस्तों मैं इस मशीन के अंदर का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हो गया मशीन के अंदर का, जिसमें ये हो गया ट्रांसफार्मर इसका, और ये दो हो गए आउटपुट। ये दो आउटपुट हैं, ये जोन वन का है, ये जोन टू का है, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों दोनों जोन की अलग अलग, ये जोन वन की है, ये जोन दो की, ये दो प्लेटें अलग अलग इसके अंदर लगी हुई है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये है ब्रिज, ये ब्रिज बी जोन का लगा हुआ है, और इस साइड के अंदर ए जोन का लगा हुआ है। अगर आपका मशीन के अंदर ये ख़राब हो जाए, ज़्यादातर ये ख़राब हो जाता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं आराम से। और देखिए दोस्तों, ये आपके दो ऑक्स के दिए हुए हैं, दो दो आउटपुट के दिए हुए हैं, दो उसके दिए हैं, लाइन आउट के दिए हैं, ये दो दो चार दो छः दो आठ सॉकेट इसमें दिए हुए हैं पीछे। और ये दोस्तों, ये देखिए, ये फिल्टर लगे हुए हैं। अगर आपकी आवाज़ में खराश आ जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी आवाज़ एकदम सही आ जाए। आवाज़ अगर आपकी खरखर आ रही है तो दो ही कारण से आती है, या तो आपके ये ख़राब है, या दूसरा यहाँ पे ये तीन टांग का ये होता है, इसके अंदर यहाँ पे जो सेट करने किया जाता है वो ख़राब हो, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यह है अंदर का, इसके अंदर 700 वाट के मशीन के अंदर ये 8 ट्रांजिस्टर इधर लगे हैं, 8 ट्रांजिस्टर इस साइड में लगे हुए हैं 700 वाट के मशीन के अंदर। देखिए दोस्तों, मैंने 700 वाट के मशीन की पूरी लाइन आपको दिखा दी है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रिज के ऊपर फिल्टर से प्लस का तार यहाँ पे ब्रिज पे गया हुआ है, दो तार इधर से ब्रिज पे गए हुए हैं ट्रांसफार्मर से। यह है आउजा 700 वाट की मशीन। देखिए दोस्तों, और ये प्लेट इसलिए लगी होती है कि इन प्लेटों की और ये वॉल्यूम की जो प्लेट लगी हुई है, इनकी दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में न टकराए, जिसके कारण ये कवर लगाया हुआ है दोस्तों। और मैं आपको इसको पीछे से भी इसका दिखा रहा हूँ, आपको पीछे से कैसे कैसा होता है दोस्तों। देखिए, ये है 24 वोल्ट DC, इसको आप बैटरी 24 वोल्ट से भी आप चला सकते हैं। और ये दो लाइनर के लिए दिए होते हैं, जो लाइन मैचिंग के आपके यूनिट होते हैं वाट के, वो आप इसके अंदर चला सकते हैं। और ये स्पीकरों का दिया हुआ है, जोन एक जोन बी दोनों के अंदर। और दोस्तों ये देखो, ये आपका स्टीरियो म्यूजिक, आपको मैंने आगे दिखाया था स्टीरियो का बटन और मोनो का बटन।
आप इसके अंदर स्टीरियो से डायरेक्ट भी चला सकते हैं। और ये है आपका इनपुट ऑक्स वन ऑक्स टू, और ये लाइन इन डायरेक्ट आप कोई भी जोन में चलाना चाहे तो भी है। ये प्री आउट है, आप दूसरी मशीन इसके अंदर जोड़ सकते हैं। ये लाइन आउट है। पीछे दोस्तों देखो इतना दिया हुआ है, एक फ्यूज़ दिया हुआ है ये। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम फिर आपको एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।